अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने का तरीका बताने लगा हूँ। चैप्टर नंबर 2 कहते हैं इसको। इसका फॉन्ट साइज 14, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेडिंग चैप्टर की, इसका फॉन्ट साइज 16 और टाइम्स न्यू रोमन्स। यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपने डेटा जो सर्च करना है वो गूगल स्कॉलर से आप कर सकते हैं। जिस तरह के आप ये मेरे पास डेटा है, ये मैंने एक टॉपिक सर्च किया है, फैक्ट ऑफ सेलिनिटी ऑन फिश ग्रोथ। इसमें से आप देख लें कि आपको किस टाइप का डेटा, कौन सा आपको रिसर्च पेपर टाइटल आपको सूटेबल कर रहा है, सूटेबल लग रहा है, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। अब मैंने मुझे ये सूटेबल लग रहा है तो इसको मैंने ओपन किया है। इसमें ये मेरे पास इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ये मेरे पास इसका एब्स्ट्रैक्ट ओपन हो गया। इस एब्स्ट्रैक्ट को मैंने कॉपी कर लेना है। ये मैंने इसका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी कर लिया और ये मैंने इसको इधर पेस्ट कर लिया। अब इसका मैंने रेफरेंस देना है। ये मैं इसका रेफरेंस देने लगा हूँ। ये यहाँ पे मैं साइट के ऑप्शन पे जाऊँगा। ये मैं इस यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसका रेफरेंस आ जाएगा। ये टू अर्थ रेफरेंस है। टू अर्थ रेफरेंस आपको देने का तरीका बता दूँ। यहाँ पे आपने ये रेफरेंस पेस्ट कर दिया। यहाँ से आपने रेफरेंस सारा डिलीट कर देना है। सिर्फ सेकंड ऑथर का फर जो नेम है वो आपने रहने देना है और इसके एब्रीवेशंस भी आपने, फर्स्ट ऑथर के भी आपने एब्रीवेशंस ख़त्म कर देने हैं और दरमियान में आपने एंड लगा देना है। और इसका आपने ईयर लिखना है, ये 2002 ईयर है इसका। यहाँ पे आप एक ब्रैकेट डाल के 2002 लिख देंगे। ये इस तरह आप रेफरेंस दे देंगे पैराग्राफ के स्टार्ट में। अब इसके साथ आप कोई वर्ड यूज़ करेंगे, स्टडीड या डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड स्टडीड वगैरह आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इसमें स्टडीड लिख दिया, स्टडीड ग्रोथ एंड सर्वाइवल, तो ये आगे इस तरह आप कर सकते हैं। अब इसको आपने रीराइट करना है। रीराइट आपने किस तरह करना है कि इसको आपने रिव्यू पे जाना है, व्यू पे, रिव्यू के साथ ऑप्शन है व्यू। यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है जो कि इस फाइल को स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट पे जाना है आपने, इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेना है। अब यही एक फाइल है, ये स्प्लिट हो गई है, इस पे वही चीज़ है, ये अलग नज़र आ रही है और नीचे ये आपको अलग नज़र आ रही है। अब आपने इसके नीचे जो है लिखना है, हमेशा आपने री राइट जो करना होता है वो इसके नीचे लिख करना होता है। अब यहाँ पे री राइट करते जाएँ, ऊपर से आप देखें और नीचे आप री राइट करते जाएं इसको, ताकि इसका प्लेजरिज्म ख़त्म हो जाए। प्लेजरिज्म ख़त्म कर लें और रेफरेंस जो आपका होगा वो आपने यहाँ पे टैग कर लेना है। इसको स्प्लिट को आप अगेन रिमूव कर लें। री राइट करने के बाद आप ऊपर वाला जो ओरिजिनल पैराग्राफ होगा वो डिलीट कर देंगे। जो री राइट वाला आपके पास रहेगा उसको आप रख लेंगे। रेफरेंस को यहाँ से आप टैग करेंगे, आप ऑथर सेलेक्ट करेंगे, रिव्यू पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू कमेंट पे जाकर यहाँ पे आप इसके रेफरेंस को पेस्ट कर लेंगे। सॉरी, ये रेफरेंस मैंने इधर से कॉपी करना है। ये रेफरेंस APA स्टाइल में यहाँ से कॉपी किया और ये यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस पेस्ट कर दिया। इस तरह आप डिफरेंट पैराग्राफ्स जो हैं रिव्यू के वो आप लिखते जाएं, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, 10 पेजेस, 15 पेजेस, 20 पेजेस, तो आप इस तरह उनको रीराइट भी कर लें और उसको आप लिखते भी जाएं। यहाँ पे आप पैराग्राफ के स्टार्ट में एक टैब ज़रूर दे दें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
थैंक यू वेरी मच।